वेलकम बैक टू माय चैनल कैन शो। मैं अपेक्षा, आज मैं आप लोगों के साथ मिसू पैंट एंड ट्राउजर हॉल सेल करने वाली हूँ। इस बार मैंने अपने लिए मिसू से पैंट एंड ट्राउजर ट्राई किए हैं। देखिए गाइस, मैंने सब एक ही बार नहीं मंगवाए हैं, मैंने एक एक करके मंगवाया, लेकिन मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं किए थे, तो मुझे लगा आप लोगों के साथ एक हॉल वीडियो शेयर कर देना चाहिए, राइट? सो ताकि आप लोगों को भी पता चले, अगर आप लोग भी मीशो से पैंट ट्राउजर वगैरह परचेस करने का सोच रहे हो तो हेल्पफुल रहे। और एक और वीडियो भी आने वाला है, मीशो से मैंने प्लाजो वगैरह भी परचेस किए हैं, वो भी वीडियो बहुत जल्द आएगा, शायद इसके बाद ही मैं शूट करने वाली हूँ। सो ओके, तो अभी इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ पैंट ट्राउजर वगैरह शेयर करूंगी। सबसे फर्स्ट गाइस, मैंने आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का ग्रेज मेहंदी कलर में एक पैंट अपने लिए परचेस किया। ये कॉटन मटेरियल का है और आप देख सकते हैं फ्रंट साइड से कुछ ये इस तरीके का है आप लोगों को, और बैक साइड से आप लोगों को कुछ इस तरीके का मिलता है। यहाँ पे इलास्टिक लगा हुआ है और गाइस इसमें मैंने अपने लिए एल साइज ऑर्डर किए हैं। ओके, और आप लोगों को इस तरीके का यहाँ पे पॉकेट भी मिल जाता है, तो कुछ इस तरीके के आप लोगों को दो पॉकेट मिल जाते हैं, राइट? दो पॉकेट आप लोगों को मिल जाते हैं। गाइस ये मुझे थोड़ा लूज हो रहा था, इसलिए मैंने अपने टेलर से थोड़ा फिटिंग भी करवाया। आई नो पैंट थोड़े लूज ही आते हैं, लेकिन ये कुछ ज्यादा ही लूज लग रहे थे, प्लाजो की जैसे लुक आ रहा था, तो मैंने सोचा थोड़ा बहुत फिट करवा लेते हैं, तो मैंने थोड़ा सा यहाँ से भी फिट करवाया, यहाँ से भी मुझे थोड़ा लूज हो रहा था। मुझे इसमें एम साइज ऑर्डर करनी चाहिए थी, एम साइज मुझे परफेक्ट आ जाती, लेकिन पता नहीं मेरे साइज में एक साइज बड़ी, मीन मेरे दिमाग में एक साइज बड़ी ही रहती है, मैं एक साइज बड़ी ऑर्डर कर लेती हूँ। अगर लूज हो तो फिर हम फिट करवा सकते हैं, लेकिन टाइट रहे तो फिर हम कुछ नहीं करवा सकते, राइट? सो इसलिए मैंने इसमें एल साइज ऑर्डर कर दी थी। अगर आप मेरी साइज के हो तो मैं आप लोगों को एम साइज रिकमेंड करूंगी, एम साइज आपको परफेक्ट आ जाएगी। मुझे यहाँ से भी थोड़ा लूज हो रहा था, मैंने यहाँ से भी टाइट करवाया है, आप देख सकते हैं इस तरीके का यहाँ से थोड़ा ऑल्टर करवाया है, मशीन मरवाया है। ओके, और लुक आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा, ट्रायंगल ही रहेगा ये भी, मैं आप लोगों को ट्राई करके दिखाऊंगी, सो आप लोग देख सकते हैं, राइट? यहाँ पे और नीचे आप लोगों को इस तरह से कैप मिल जाता है, कैप या फिर आई डोंट नो क्या बोलते हैं इसको, कैप ही बोलते हैं। अब हम मटेरियल की बात करें तो गाइस, ओके इसका मटेरियल मुझे कोई इतना खास पसंद नहीं आया है, ओके आप बोल सकते हैं। और इसकी एमआरपी मुझे अभी एग्जैक्ट याद नहीं है, मैं आप लोगों को पिच यहाँ पे स्क्रीन पे दे दूंगी या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा, मैं वहां पे आप लोगों को कोड सारे की मेंशन कर दूंगी। ओके गाइस, और आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर आप लोग बेल्ट भी लगवाना, बेल्ट लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो, आप लोगों को यहाँ पे ये मिल जाएगा, क्या बोलते हैं इसको, आई डोंट नो। और मटेरियल मुझे ओके लगा, इतना कोई खास अच्छा भी नहीं है और इतना बुरा भी नहीं है, जितना जितनी मैंने प्राइस पे की है उस हिसाब से ओके आप बोल सकते हैं। ओके, तो ये है फर्स्ट। अब मैं गाइस आप लोगों को इसमें से जो मैंने आप लोगों को पहले दिखाया ना, उसमें ही मैंने एक ब्लैक कलर मंगवाया है। ब्लैक कलर ऐसा है जो सारे आउटफिट के साथ चल जाता है, राइट गाइस? तो ब्लैक कलर आप इसे टी शर्ट वगैरह के साथ भी पहन सकते हैं या फिर कुर्ते वगैरह के साथ भी ट्राई कर सकते हैं। मैं आप लोगों को अब स्टाइलिंग टिप्स वगैरह भी आप लोगों के साथ अपने वीडियो में थोड़ी बहुत शेयर करती रहूंगी। तो अब मैंने ये वाले चैनल पे स्टाइलिंग टिप्स वाले वीडियो भी आएंगे। ओके, तो आप देख सकते हैं ब्लैक कलर का ये ट्राउजर पैंट या आप जो भी बोलो, यहाँ पे भी आप लोगों को बैक साइड में इलास्टिक मिल जाएगा और फ्रंट साइड से कुछ ये इस तरीके का है। ओके, कॉटन मटेरियल का है और इसका भी मटेरियल सेम ही है जो मैंने आप लोगों को पहले बताया। ओके बहुत बुरा भी नहीं है और बहुत अच्छा भी नहीं है, थोड़ा बहुत सी थ्रू है, अगर आप बाहर जाते हो सनलाइट में जाते हो तो ये थोड़ा ट्रांसपेरेंट आप लोगों को दिख सकता है। ओके, मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया, लेकिन प्राइस के हिसाब से अच्छा है, ठीक ठाक आप बोल सकते हैं। अब मैं आप लोगों को गाइस थर्ड दिखाना चाहूंगी। ओ माई गॉड गाइस, मेरा ये फेवरेट बोल सकते हैं, और जो मैंने आप लोगों को पहले दो दिखाए इससे ये पूरा डिफरेंट है। ओके, और इसका मटेरियल भी इतना अच्छा है कि आप लोगों को क्या बोलूं, आप देख सकते हैं, राइट? कुछ इस तरह की आप लोगों को नीचे बॉर्डर में डिजाइन मिल जाती है। ओके,
कुछ इस तरह की डिजाइन मिल जाती है। और आई डोंट नो इसको क्या बोलते हैं, पैंट बोलते हैं, ट्राउजर बोलते हैं या फिर क्या बोलते हैं, और मुझे ये थोड़ा टाइट हो रहा है ऐसा मुझे लगता है। मैंने जब इसको वेयर किया ना तो लेगिंग्स के जैसा लुक आ रहा था। मैं आप लोगों को यहाँ पे ट्राई दे दूंगी तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि ये वेयर करने के बाद कैसा लग रहा है, क्योंकि काफी टाइट है लेकिन कोई नहीं, अच्छा लग रहा है, लुक भी अच्छा रहा है। सो मैं इसे कुर्ते के साथ, शॉर्ट कुर्ते के साथ या फिर कुर्ते के साथ या फिर कोई भी टी शर्ट टॉप वगैरह के साथ स्टाइलिंग कर सकती हूँ। सो आप देख सकते हैं पूरे में आप लोगों को यहाँ पे इस तरीके का इलास्टिक मिल जाता है, इस तरीके का बड़े साइज वाला इलास्टिक मिल जाता है। काफ़ी अच्छी क्वालिटी का इलास्टिक इन्होंने लगाया है। और जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया ये एंकल लेंथ है और यहाँ पे भी आप लोगों को पॉकेट मिल जाता है। ओके राइट, इस तरीके का पॉकेट आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा राइट। और एंकल लेंथ आप बोल सकते हैं। और गाइस इसका मटेरियल बहुत अच्छा है, इसका मटेरियल मुझे बहुत बहुत ज्यादा पसंद आया है और इसे मैं बहुत इम्प्रेस हूँ। बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट नहीं है, अगर आप बाहर भी जाओगे तो इजीली आप इसको वेयर करके जा सकते हैं। और आप देख सकते हैं ये थोड़ा बहुत स्ट्रेचेबल भी है, ये कॉटन मटेरियल का है, प्योर कॉटन मटेरियल का है, लेकिन थोड़ा बहुत यहाँ पे स्ट्रेचेबल आप बोल सकते हैं राइट। ओके तो ये मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया, इसे मैं आप लोगों को हाईली रिकमेंड कर सकती हूँ। अब फोर्थ एंड लास्ट में आप लोगों को यहाँ पे अगेन एक पैंट शेयर करना चाहती हूँ। आप देख सकते हैं मैंने जो आप लोगों को पहले दो पैंट शेयर किए राइट, उस तरीके का ही ये मटेरियल है, कॉटन मटेरियल का है और थोड़ा बहुत ट्रांसपेरेंट आप बोल सकते हैं। ओके इसका मटेरियल मुझे कोई खास पसंद नहीं आया। मैं पहले सोच रही थी कि रिटर्न करवा दूँ, फिर मैंने सोचा कि इतने कम प्राइस में अगर आप लोगों को इतना मटेरियल मिलता है तो ठीक ठाक आप बोल सकते हैं। ओके तो बैक साइड से आप लोगों को इस तरीके का इलास्टिक मिल जाता है और यहाँ से कुछ इस तरीके। और गाइस मैंने आप लोगों को इसमें अपनी साइज तो बताई नहीं, इसमें मैंने कौन सी साइज ऑर्डर की है, इसमें मैंने अपने लिए एल साइज ऑर्डर की है राइट, इसमें भी मैंने एल साइज ऑर्डर की है। जितना मैंने सुना है और देखा है पैंट थोड़ा लूज होता है, ओके इतना टाइट भी नहीं रहता है, लेगिंग्स की तरह नहीं होता है, लेकिन ये एकदम टाइट है, पता नहीं क्यों, लेकिन लुक बहुत अच्छा आता है इसके साथ और स्ट्रेचेबल भी है। तो मेरे से अगर आप थोड़े हेल्दी हो तो भी वेयर कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा डिफरेंट लगा मुझे। तो चलिए फिर ये है मेरा फोर्थ एंड लास्ट जो मैंने आप लोगों को बताया गाइस। इस तरह की यहाँ पे आप लोगों को ये कैप मिल जाता है ताकि आप इजीली अपने पैर यहाँ से निकाल सकते हैं राइट। और कलर भी आप देख सकते हैं आप लोगों को यहाँ पे हाँ है, पॉकेट भी है, पॉकेट मिल जाएगा इस तरीके के, दो पॉकेट आप लोगों को मिल जाएंगे। तो गाइस ये कुछ मीशो से मैंने अपने लिए पैंट एंड ट्राउजर इस बार ट्राई किए हैं। ये सारे के कोड मैं आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, अगर आप लोग इनमें से कुछ भी अपने लिए परचेज करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा। आप वो कोड मीशो ऐप पे जाइएगा, मीशो ऐप पे सर्च बॉक्स जो होता है ऊपर उसमें आप वो कोड टाइप कीजिएगा, आप लोगों को वो प्रोडक्ट मिल जाता है। तो कुछ इस तरीके का मीशो भी होता है और मीशो एक रीसेलिंग ऐप है, आप वहां से अपने लिए प्रोडक्ट परचेज भी कर सकते हैं और अपना बिजनेस भी कर सकते हैं। आप लोगों को पता ही होगा, मुझे आप लोगों को कुछ ज्यादा बताने की नीड नहीं है क्योंकि आप मेरे से भी ज्यादा स्मार्ट हो के राइट गाइस। तो आप लोगों को पता ही होगा कि मीशो क्या है और बहुत ही कम लोग होंगे ऐसे जो मीशो के बारे में नहीं जानते होंगे। सो राइट गाइस यही मेरा हॉल था आज का। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करते जाएगा, चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते जाएगा। और गाइस मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है अपेक्षा नायक पटेल, सो अगर आप लोग इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिएगा। आजकल बहुत अच्छे अच्छे रील्स अपलोड कर रही हूँ वहाँ पे। और मेरी ब्लॉग चैनल पे भी विजिट कीजिएगा अगर आप लोगों को मैं पसंद आई हूँ और आप लोग मेरी डेली लाइफ देखना पसंद करते हैं, मेरी डेली लाइफ देखना चाहते हैं, मुझे करीब से जानना चाहते हैं तो मेरी ब्लॉग चैनल पे भी विजिट कर सकते हैं। अपेक्षा नायक पटेल ब्लॉग के नाम से मेरी ब्लॉग चैनल है। मिलते हैं बहुत जल्द नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।